Hello everyone, you are welcomed on MDN Education today. In this video, we will discuss 9th class 3rd poem Rain on the Roof written by Kurt Skinner. And today, we are discussing most important part of this poem, some extract based comprehension test questions. So, without any delay, let's start. As you know that we have discussed this poem stanza wise, and now we discuss its questions. Stanza wise jo question hai wo hum discuss karte hain is video ke andar. So first of all, the first stanza. When the humid shadows hover over all, the star is fair and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो इसका first of all इसमें हम क्या देखते हैं, इसकी जो literary technique इसके अंदर use की गई है, इसकी explanation हम last video के अंदर कर चुके हैं complete. तो आज हम इसकी explanation नहीं, आज हम इसकी literary technique या जो राइम स्कीम इसके अंदर एक्स्ट्रा यूज की गई हैं तो वो हम यूज देखेंगे. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर, तो ह्यूमिड और हावर, देखो ह्यूमिड हावर, एच यहाँ पर एच और एच दोनों में क्या है, रिपीटिशन है, रिपीटिशन ऑफ वावल है, सॉरी रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट है. हावर ह्यूमिड हावर तो है की आवाज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एच, फ्रीक्वेंसी ऑफ एच, एच मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन, यहां पर क्या होगा, एलिट्रेशन. भाई बात समझ में, यहां पर क्या होगा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास, अनुप्रास, अलंकार, अलंकार, क्लियर. अनुप्रास अलंकार क्या होता है, आपको हिंदी में पता है भी, जब किसी शब्द में, सॉरी जब किसी वाक्य के अंदर क्या हो, जब किसी पद के अंदर चाहे स्वर या फिर व्यंजन की आवृत्ति हो, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसके अंदर क्या है, चय चय की आवृत्ति है ना, तो इसके अंदर इस क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार है. तो इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है. तो ये दो तरह की होती हैं, एलिट्रेशन दो तरह की होती हैं, एक होता है कॉन्सोनेंस, एक होता है एसोनेंस. तो एसोनेंस, तो कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंट जब होगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो, जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो तब क्या होगा, कॉन्सोनेंस, और जब वोवल साउंड का रेपिटेशन हो तब होगा एश्योनेंस. ठीक है, अब यहां पर देखिए स्टारी स्फीयर्स, अब स्टारी स्फीयर्स के अंदर एस, एस स्टारी स्फीयर स है ना, और तो कोई आवाज नहीं आती, स्टारी स्फीयर, तो यहां पर भी क्या है, एलिट्रेशन है. समझ में आया, आगे चलते हैं. मेलेंकली डार्कनेस, एक और देखते हैं हम, यहां पर क्या आता है, लाई लिसनिंग, यस लाई और लिसनिंग, लाई और लिसनिंग के अंदर भी क्या आएगा, सेम एलिट्रेशन ही होगा, क्योंकि लाई लिसनिंग, एल एल की आवाज है ना. तो कॉटेज चैम्बर, अब यहां पर देखो सी सी, दोनों जगह सी है, देखने में क्या है, देखने में तो सेम है, कॉन्सोनेंट है सी सी, लेकिन साउंड सेम नहीं है. यहां पर लाई लिसनिंग, लाई एल की आवाज है ना दोनों जगह, स्टारी स्फीयर एस की आवाज़ है ना, ह्यूमिड हावर है की आवाज़ है ना, लेकिन यहाँ पर कॉटेज चैम्बर में सी कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी, सेम सिलेबल होने के बावजूद भी साउंड सेम नहीं है. तो आपको समझ में आया, जब साउंड सेम हो तब हम यूज करेंगे एलिट्रेशन को. तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं हुआ, कहीं आप ये एलिट्रेशन इसको दिखाएं, समझे, कॉटेज चैम्बर. अब आगे क्या आता है, प्रेस पिलो, अब यहाँ प्रेस पिलो, पै 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 है, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, एलिट्रेशन. आई बात समझ में,
तो अब आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट क्या है देखो, मेलंकली डार्कनेस। अब मेलंकली क्या है? मेलंकली मेलंकली एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। मेलंकली क्या है? उदास, सैड, सैड और सैडनेस, सैडनेस। तो सैड क्या है? एडजेक्टिव है। सैडनेस क्या है? नाउन है। क्लियर? तो अब यहां पर देखो, मेलेंकली डार्कनेस। अब मेलेंकली जो एडजेक्टिव हो किसको क्वालिफाई कर रहा है? डार्कनेस को, जो कि क्या है? एक नाउन है। डार्कनेस क्या है? एक नाउन। तो हम यहां पर कौन सी लिटरेरी टेक्निक देखते हैं यूज की गई है? लिटरेरी डिवाइस कौन सी है? यहां पर एपिथेट यूज किया गया है। एपिथेट क्या होता है? एपिथेट एक ऐसा एडजेक्टिव होता है या फिर एक ऐसा जिसको कहें कि हम फ्रेज होता है जो समबडी और समथिंग को क्वालिफाई करता है। मतलब जैसे कोई करेक्टर्स के रूप में यूज किया गया है, चाहे किसी चीज को यूज किया गया हो, चाहे किसी व्यक्ति को यूज किया गया हो, तो जब उसको कोई वर्ड क्वालिफाई करता है तो स्पेशली चाहे वो बैड के रूप में यूज किया गया हो, चाहे गुड के रूप में यूज किया गया हो, चाहे वो वर्ड अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, बात एडजेक्टिव की है, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो एपिथेट होगा वो। और यहाँ पर जो डार्कनेस है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर मेलेंकली को किस पर ट्रांसफर कर दिया गया है? डार्कनेस के ऊपर। भी डार्कनेस जो है वो क्या है? उदास है। डार्कनेस क्या है? उदास है। तो उदासी को ह्यूमन बींग की अपेक्षा किस पर ट्रांसफर कर दिया गया है? डार्कनेस पर। और वैसे यदि देखें तो सिंबोलिकली जो डार्कनेस है वो अपने आप में उदासी का प्रतीक ही होता है। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ? ट्रांसफर एपिथेट। अब आगे था जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में हमने क्या पढ़ा था, जेंटली वीप्स भी ऐसा लगता है कि उदासी पूर्ण अंधेरा भी, उदास अंधेरा, उदास अंधेरा वर्षा रूपी बूंदों के रूप में, ठीक है, मतलब क्या करता है? शेडिंग टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है, शेडिंग टीयर्स, शेडिंग शेडिंग टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। समझ में आया कि ऐसा लगता है कि जो उदासीपूर्ण अंधेरा है वो जेंटली वीप्स बाई शेडिंग टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, भी वर्षा के रूप में वो अपने आंसू बहाता है, रोता है, ऐसा लगता है, भी वर्षा के रूप में अपने आंसू बहाता हुआ वह रोता है, जेंटली रोता है। तो रोएगा कौन? अंधेरा रोएगा? नहीं। तो यहां पर इसको क्या यूज किया गया है? परसोनिफिकेशन। यहां पर क्या यूज किया गया है? परसोनिफिकेशन, परसोनिफिकेशन। तो यहां पर परसोनिफिकेशन यूज किया गया है, आप याद रखें। और परसोनिफिकेशन क्या होता है? जब नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन बींग के रूप में, एक पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं परसोनिफिकेशन, या आपने हिंदी में पढ़ा होगा मानवीकरण, मानवीकरण, ठीक, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो चलो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। जो फर्स्ट स्टेंजा को हमने डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू लिटरेरी डिवाइस के रूप में। सो नाउ वी डिस्कस इट्स क्वेश्चन। जो फर्स्ट स्टेंजा हमने अभी पढ़ा था उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट इम्प्लाई बाय ह्यूमिड शेडोज। तो जो पोइट है वो ह्यूमिड शेडो से उसका क्या मतलब है? देखो ये हम लास्ट वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन कर चुके हैं, बट क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी गई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको, यदि क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए तो तब आप उसको किस तरह से करोगे। तो देखो, व्हाट डज द पोइट इम्प्लाई बाई ह्यूमिड शेडोज, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। व्हाट डज द पोइट रेफर्स, या व्हाट डज ह्यूमिड शेडोज रेफर, रेफर्स टू, ठीक है, व्हाट डज द ह्यूमिड शेडोज रेफर टू। तो क्वेश्चन वही है, बस फॉर्म चेंज हो गई है। तो देखो, व्हाट डज द पोइट इम्प्लाई, इम्प्लाई मतलब यहाँ पर है मीन,
इम्प्लाई का मतलब क्या है? मेन मतलब क्या होता है? मतलब ह्यूमिड सेडोसी मतलब क्या है? ये कर चुके हैं तो आप उसी क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हो। द पोइट इम्प्लाइज बाई ह्यूमिड सेडोज एज एज क्लाउड्स फुल ऑफ वॉटर। समझ में आ गया? द पोइट इम्प्लाइज बाई ह्यूमिड सेडोज, द पोइट इम्प्लाइज बाई ह्यूमिड सेडोज द क्लाउड्स एज एज द क्लाउड्स फुल ऑफ वॉटर या फुल ऑफ रेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज स्टारी स्फीयर्स रेफर टू? तो यहाँ पर स्टारी स्फीयर्स है जो, वो उसका क्या मतलब है? व्हाट डज द फ्रेज स्टारी स्फीयर्स रेफर टू? तो यहाँ पर जो स्टारी स्फीयर्स है उसका क्या मतलब है? देखो, द फ्रेज स्टारी स्फीयर्स रेफर्स टू द किसको रेफर करती है? रेफर्स टू द स्काई फील्ड विद न्यूमरस स्टार्स शाइनिंग एट नाइट। समझ में आया? व्हाट इज द फ्रेज स्टारी स्फीयर्स रेफर टू? द फ्रेज स्टारी स्फीयर्स रेफर्स टू द स्काई फील्ड विद न्यूमरस स्टार्स शाइनिंग एट नाइट। मतलब स्टारी स्फीयर यदि हम सिंपली, बिल्कुल सिंपली कहें तो स्टारी मतलब फुल ऑफ स्टार, सितारों से भरा हुआ, फुल ऑफ स्टार्स। स्फीयर्स का मतलब क्या है यहाँ पर? स्फीयर्स का मतलब स्काई, तो स्काई फील्ड विद न्यूमरस स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट कंसीडर टू बी अ ब्लिस इन द रेनी सीजन? मतलब रेनी सीजन के अंदर जो पोइट है वो किस चीज को ब्लिस मानता है? ब्लिस का मतलब क्या है? आप ये हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इसका मीनिंग पहले जो हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं उसके अंदर आपको बता चुके हैं, तो ब्लिस का मीनिंग बताएं आप। तो जो पोइट है वो किस चीज को रेनी सीजन में ब्लिस मानता है? द पोइट कंसीडर्स अ ब्लिस इन रेनी सीजन टू लाई कंफर्टेबली इन द बेड एंड लिसनिंग द पैटर साउंड ऑफ द रेन। समझ में आया? तो ब्लिस क्या है? ब्लिस किसको मानता है पोइट? द पोइट कंसीडर्स अ ब्लिस टू लाई कंफर्टेबली इन द बेड एंड लिसनिंग द पैटर साउंड, यूज करना है तो कर सकते हो, लिसनिंग द पैटर ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग शावर और रेन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोइटिक डिवाइस हैज बीन यूज इन लाई लिसनिंग? अभी अभी करके आए थे हम स्टेंजा के अंदर, लाई लिसनिंग के अंदर कौन सी पोइटिक डिवाइस है आप ये अपने आप करें। नेक्स्ट आता है, विच पोइटिक डिवाइस हैज बीन यूज इन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन? जो फर्स्ट की जो थर्ड और फोर्थ लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेंजा के अंदर। तो देखिए, मतलब जो ये थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन, इसमें पोइट है जो, वो पोइट का क्या मतलब है? इसमें जो पोइट है वो कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज करता है, ये भी हम अभी करके आए हैं, तो वह भी अपने आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा? इस स्टेंजे की रीम स्कीम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रीम स्कीम क्या होती है आपको निकालनी आती होगी, पहले आपको बताया जा चुका होगा। तो फर्स्ट लाइन को हम देते हैं ए लेटर से डिनोट करते हैं, फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड को हम, लास्ट वर्ड से मतलब होता है हमें लास्ट वर्ड की ट्यूनिंग देखनी होती है, सेम होती है कैसी होती है, अलग अलग होती है। देखो, ए, इसको डिनोट करते हैं ए से, तो हावर्स फेयर मैच करती है? नहीं, तो इसको डिनोट करते हैं बी से। अब देखिए, सी, एंड द मेलंकली डार्कनेस, तो हावर स्फेयर डार्कनेस, तीनों में ट्यूनिंग है? नहीं है, तो इसको नाम देते हैं हम किसका? सी का। उसके बाद, ओवरऑल द स्टारी स्फेयर्स जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, मैचिंग करती है, तो इसको नाम देते हैं हम किसका? ए का, सॉरी बी का, बी, क्योंकि ये बी है, स्फेयर टीयर्स, ठीक है। तो ए बी सी बी, तो ए बी सी बी, आगे क्या आता है? डी, पिलो, पिलो मैच करती है ऊपर वाला, सुई, नहीं, तो इसको नाम, सी तक आ गया ना, इसको नाम देते हैं डी।
उसके बाद क्या आता है, बेड किसी से मैच करती है, नहीं पिलो से मैच करती है, नहीं तो क्या हो जाएगा ई। उसके बाद क्या आएगा, पैटर मैच करती है ऊपर वालों से, नहीं करती तो ये क्या हो जाएगा एफ। उसके बाद ओवरहेड, ओवरहेड किससे करता है, चैम्बर बेड, बेड से ओवरहेड बेड, तो बेड हेड मैच करती है तो किसे मैच करती है, ये क्या था ई था ना, यस, तो ये क्या हो जाएगा ई। तो इसकी रीम स्कीम क्या होगी, ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये होगी इसकी राइम स्कीम। क्लियर। अब हम इसकी थीम या सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज द हीलिंग पावर ऑफ रेन। तो मतलब इस पोएम में जो थीम है, इस पोएम का जो थीम है सेंट्रल आइडिया वो क्या, हीलिंग पावर ऑफ रेन है। द म्यूजिकल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द सोफ रूफ टॉप एट नाइट हैज द एबिलिटी टू रिवाइव स्वीट्स मेमोरीज एंड राउज फैंसीज इन अदरवाइज बिजी माइंड। द रेन डज साउथ्स एंड कम्फर्ट्स एंड ओवर वर्क माइंड बाई टेकिंग इट बैक टू इट्स लवली पास्ट। अ सम ऑफ आर बेस्ट मेमोरीज इन लाइफ आर एसोसिएटेड विद रेन। तो जिस तरह से पोइट है, जो वो पोइट कहता है ना रेन से उसकी मेमोरी जो जुड़ी हुई है, जब भी बारिश होती थी तो उसकी मम्मी उसके सिबलिंग्स को और उसको क्या करती थी, अच्छी प्रकार से कंबल में लपेट करके, ढक करके, कवर करके लेटाती थी, सुलाती थी। तो इस प्रकार पोइट जब रेन को देखता है, उसकी टैपिंग को सुनता है, तो उसको अपनी मम्मी की याद आती है, तो वो रिकोलेक्शंस करता है। तो इसीलिए सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, स्टे होम स्टे सेफ।